लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि बजट हमारा बहुत ही कम है, ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें लैपटॉप चाहिए। चाहे स्टॉक ट्रेडिंग वाले हो, या फिर थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आप ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं, या फिर अपने शॉप के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट बहुत ही कम है, लेकिन चाहिए लैपटॉप आपको नया ही, सेकेंड हैंड नहीं लेना, रिन्यूड लैपटॉप नहीं लेना है, तो ये वीडियो बिल्कुल उसी पर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर एक ऐसे लैपटॉप के बारे में हम लोग बात करेंगे जिस पर इस वक्त बिल्कुल 50% का डिस्काउंट चल रहा है। बहुत ही कम बजट में बिल्कुल न्यू मॉडल, न्यू लैपटॉप जो है आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें ताकि और लोगों को फायदा हो सके। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि लैपटॉप कौन सा है। तो ये लैपटॉप जो है वो है टेक्नो का। टेक्नो ब्रांड अभी हाल ही में आया है इंडिया के अंदर। पहले अगर हम लैपटॉप की बात करें तो वो है टेक्नो का मेगाबुक T1। ये है i3 प्रोसेसर के साथ में, वो भी 11th जनरेशन। प्राइस सुनेंगे दंग रह जाएंगे। i3 11th जनरेशन के साथ में 1115 G4 प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। टर्बो बूस्ट में 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक काम करता है। 6 MB के कैच के साथ में ये आता है। साथ में अगर हम स्टोरेज और रैम की बात करें तो 8 GB की DDR4 रैम इसके अंदर लगी हुई है, 4266 मेगाहर्ट्ज़ वाली। ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि स्पीड इसके साथ बहुत अच्छी मिलने वाली है। 512 MB का M.2 NVMe SSD इसके अंदर लगी हुई है, 2580 वाली, जो कि एक नॉर्मल आप इसको अपग्रेड भी कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन इसका स्पेसिफिकेशन है जो कि बहुत ही लाजवाब है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल वाला इसके अंदर डिस्प्ले मिलने वाला है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 350 नीट्स का ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है इस डिस्प्ले में। 100% sRGB के साथ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि आप इस पर कोई भी ऐसा काम जो कलर एक्यूरेसी के साथ में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और बाकी स्पेशल फीचर की बात करें तो 2-in-1 फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। 180 फ्लेक्सिबल बेंडिंग एंगल के साथ में आ रहा है, यानी कि 180 तक जो है, यानी कि आप इसको सीधा कर सकते हैं बिल्कुल भी। और 2 MP का फिजिकल प्राइवेसी कैमरा इसके अंदर मिल जाता है, जो कि हर तरह से जो है आपको ये सिक्योर रखने का काम करेगा। और बैकलिट कीबोर्ड के साथ में ये आ रहा है। ग्राफिक की बात करें, i3 ग्राफिक के साथ में ये आ रहा है। और बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 65 वाट का इसके साथ में USB टाइप सी चार्जर जो है इसके साथ में मिलने वाला है। और 70 Wh की इसके अंदर बैटरी आपको देखने को मिल रही है। और कंपनी का दावा है कि 17.5 Hz जो है आपको बैटरी लाइफ देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 घंटे ना भी मिलता है, अगर 12 घंटे भी मिला, 10 घंटे भी मिला, तो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ इसके साथ में होने वाली है। विंडोज 11 होम के साथ में यह आने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 6 इसके अंदर है, बिल्कुल अपडेटेड है। और वेट की बात करें तो 1.5 kg इसका वेट है। पोर्ट की बात करें तो 2 इसके अंदर जो है USB टाइप ए मिलने वाला है 3.0, और USB टाइप ए 3.1 जो है इसके अंदर मिल रहा है। और USB टाइप सी चार्जिंग इसके अंदर साथ में मिल रहा है। USB 3.2 Gen 2 टाइप सी एक मिल रहा है, जो कि हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर करेगा, PD चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करेगा, यानी कि USB टाइप सी से आप जो है डिस्प्ले को कनेक्ट कर पाएंगे। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इसके अंदर मिल रहा है। 3.5 का जो है हेडफोन एंड माइक वाला जैक, यानी कॉम्बो जो होता है, साथ में HDMI 1.4 भी मिल रहा है। यानी कि इस लैपटॉप से आप जो है 2 डिस्प्ले को कनेक्ट करा करके आप चाहें स्टॉक ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो है आपको देखने को मिलेगी। प्राइस थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं i3 11 जनरेशन के साथ में जो है उस मॉडल का प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है। तो उसका प्राइस इस वक्त चल रहा है 23,990 रुपए, जो कि किसी भी ब्रांड में फिलहाल आपको मिलने वाला नहीं है i3 11 जनरेशन के साथ में। प्राइस बहुत ही लाजवाब है। इसी में अगला मॉडल की अगर हम बात करें तो वो है टेक्नो मेगाबुक T1 के अंदर ही i5 11 जनरेशन के साथ में। थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं तो i5 11 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में 16 GB का रैम लगा हुआ है, यानी बड़ी फाइल पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 512 GB का SSD लगा हुआ है उसके साथ में, यानी कि स्टोरेज एंड रैम आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करने वाला है, जिससे आप बड़ी फाइल पे काम कर पाएंगे। विंडोज 11 के साथ में ये आने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल वाला डिस्प्ले, वही डिस्प्ले जो पिछले वाले i3 के अंदर
सेंसर लगा हुआ है, वही डिस्प्ले आपको इसके अंदर भी मिल रहा है। स्पेशल फीचर सारे कुछ वही है, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है, बाकी सारी चीजें आपको वही मिलने वाली है। वेट 1.56 केजी वेट है। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो दो इसके अंदर यूएसबी टाइप ए 3.0 मिल रहा है, यूएसबी टाइप ए 3.1 मिल रहा है, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग इसके अंदर मिल रही है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है ये। साथ में ही यूएसबी 3.2 जेन 2 टाइप सी मिल रहा है, जो कि हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर भी करेगा। साथ में पीडी चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, डिस्प्ले पोर्ट भी है साथ में, यानी कि डिस्प्ले को भी आउट करेगा। साथ में माइक्रो एसडी स्लॉट भी इसके अंदर भी मिल रहा है, हेडफोन माइक जैक भी मिल रहा है, एचडीएमआई भी मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर भी आप जो है दो डिस्प्ले को कनेक्ट करके आप आराम से स्टॉक ट्रेडिंग का काम कर सकेंगे, बिल्कुल ही मजा आ जाने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें i5 11th जनरेशन की, तो इस वक्त जो प्राइस है मात्र 29,990, यानी कि 30,000 के अंदर मिल रहा है। बहुत बेहतरीन प्राइस है, इस बजट के अंदर जो है किसी और ब्रांड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बजट कम है और आप एक बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप भी बना, बहुत ही स्लिम है, बेजल डिस्प्ले के अंदर बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। साथ में जो इसका थिकनेस है बहुत ही कम है, इसका जो माउस पैड है, ट्रैक पैड है, वो बहुत ही शानदार दिया हुआ है, दिखने में लुक वाइज बहुत ही शानदार है, एक बहुत ही स्लिम दिखेगा, बहुत ही प्यारा लैपटॉप दिखने वाला जो है आपको इसके अंदर मिल रहा है मात्र 30,000 के अंदर। और क्या ही आपको चाहिए, तो अगर बजट कम है बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। नया लैपटॉप है, नया ब्रांड है, इसलिए बजट में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये ना समझें कि सस्ता है तो खराब है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं i7 के अंदर। i7 11th जनरेशन यानी 1165G7 जो है प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है। रैम 16GB है, 4266 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम लग रही है, 1TB का M.2 SSD इसके अंदर मिल रही है, सब कुछ बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन में मिल रहा है, बाकी सारी फैसिलिटीज वही है, पोर्ट्स भी सब कुछ वही है। बजट सुनकर के दंग रह जाएंगे, बजट इसका है 37,990, मात्र 38,000 में आपको i7 11th जनरेशन के साथ में ये स्पेसिफिकेशन इंडिया में दूसरे ब्रांड के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये तीन लैपटॉप के बारे में हम लोगों ने बात किया जो टेक्नो का है, और इसके सर्विस पर बहुत ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन इस ब्रांड की रेटिंग अभी तक बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम्स लैपटॉप में नहीं आ रही है। जिन लोगों ने भी लिया इसको बहुत अच्छा रेटिंग दिया हुआ है, लोग बहुत ही ज्यादा अभी भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा। और सर्विस सेंटर इसका है, लेकिन अभी जो है इसके सर्विस सेंटर शहरों में ही मिल पाएगा, थोड़े से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको थोड़ी सी सर्विस की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सर्विस मिलेगी, क्योंकि इस टाइप की जितनी भी सारी कंपनियां इंडिया में आ रही है सर्विस अपनी दे रही है, क्योंकि बिना सर्विस का चल ही नहीं सकती। और बाकी जो है इसकी रेटिंग बहुत अच्छा है, जितने भी लोगों ने खरीदा है बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया है, रेटिंग बहुत अच्छा दिया है इस लैपटॉप के अंदर, कंप्लेंट का जो रेशियो है वो भी बहुत ही कम है, इसका मतलब यह है कि लैपटॉप पर भरोसा किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर बजट कम है आप इसके साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।